और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर। चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारी भीड़ यहां उमड़ रही है, जिसके चलते केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ धाम में भी इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। रजिस्ट्रेशन करा के लोग पहुंच रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए लोग भी पहुंच रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ रूट पर जाम की स्थिति निपटने के लिए यहां पर कई तरह के काम भी किए जा रहे हैं। चमोली के गोचर और पांडुकेश्वर में पुलिस का चेकिंग अभियान भी चल रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन वाली यात्रियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। भीड़ पर कंट्रोल किया जाए और जितने भी यात्री दूर दराज इलाकों से आए हैं वो सब दर्शन करके लौटे, इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर रखी है। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। देखिए 10 मई से शुरू हुई है चारधाम यात्रा, जिसके लिए जितने लोगों ने, ना ही सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया से लोग जो चारधाम यात्रा करने के लिए आते हैं, दूर देशों से भी, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की है, लेकिन सब दर्शन करके अपने घर लौटे, इसके लिए उत्तराखंड प्रशासन ने भी तैयारी पूरी की है। शुरुआत में हमने देखा कि कुछ दिक्कतें जरूर आई, एकदम से भारी भीड़ पहुंची तो उस भीड़ को संभाल पाने में उत्तराखंड प्रशासन के हाथ पर खुल गए, लेकिन जैसे जैसे चारधाम यात्रा आगे बढ़ी वैसे वैसे हम देख सकते हैं अब प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सही साबित हो रही हैं और पूरे सिस्टम से आगे बढ़ते हुए लोग दर्शन करके घर लौट रहे हैं। तो चारधाम यात्रा जो शुरू हुई है उस पर पार्किंग को लेकर लोगों को दिक्कत ना हो, सब दर्शन करके लौटें, जिसके लिए गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। जानकारी और नितिन सेमवाल हमें देंगे, जोशीमठ से इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। नितिन सेमवाल, देखिए ये वो समय है जहां पर पूरी दुनिया से लोग चारधाम करने के लिए, यात्रा करने के लिए आते हैं। रजिस्ट्रेशन कराकर आने वाले लोग भी चारधाम यात्रा कर रहे हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन करा के यहां पहुंचे हैं, सरकार की कोशिश उनको भी दर्शन कराने की है, लेकिन एक सिस्टम फॉलो करना होगा। तो गाइडलाइंस जो जारी की गई है, जो तैयारियां प्रशासन ने की गई है, क्या आपको लग रहा है कि अब तक 10 मई के बाद जो चारधाम यात्रा शुरू हुई है वो सही तरीके से आगे बढ़ रही है? चारधाम यात्रा की बात करें तो जो मुश्किलें हैं शुरू दिखाई दे रही थी उस पर थोड़ा सा अगर बात करें तो अंकुश जरूर लगा है, लेकिन अभी भी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने की बात की जा रही है, क्योंकि चाहे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ धामों, लगातार तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन से अगर कोई भी तीर्थ यात्री चारोधाम की यात्रा करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किलें जरूर बढ़ेगी। ऐतिहासिक भीड़ दिखाई दे रही है चारोधामों में, तो ऐसे में जो क्राउड कंट्रोल है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है प्रशासन के लिए। तो कहीं ना कहीं जो जिले के, जो चाहे रुद्रप्रयाग जिला हो या चमोली जिला हो, उसकी जो सीमावर्ती चौकियां हैं जिलों की, वहां पे लगातार पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है। चमोली में 2 से 3 जगहों पर ऐसी पोस्ट बनाए गए हैं, गौचर की बात कर लें या मठ क्षेत्र की बात कर लें या फिर पांडुकेश्वर में बात कर लें, वहां पे यात्रियों की चेकिंग की जा रही है, रजिस्ट्रेशन चेक किए जा रहे हैं, ताकि धाम में मात्रा में ही जो श्रद्धालु है वो पहुंच सकें और अच्छे दर्शन हो। बद्रीनाथ धाम में व्यवस्थाओं को मजबूत करने की जो बात DGP कह के गए हैं वो अब धीरे धीरे धरातल पर भी दिखाई दे रही है, तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो अब धीरे धीरे सुधर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब मात्र 2 दिन रह गए हैं हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के लिए, तो अब और ज्यादा यात्री आएंगे हेमकुंड साहिब के लिए भी, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो अब और ज्यादा तेज करने की आवश्यकता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सरकार की जो तैयारी है वो यहाँ पर कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है, दर्शन करके लोग अपने घर लौट रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल जानकारी के लिए। चुनाव प्रचार के अपने तूफानी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, इस पर आपको जानकारी दे देते हैं कि देखिए आज भी उनका तूफानी दौरा और राज्य में प्रचार करने का जारी रहने वाला है। आज की जानकारी आपको दे देते हैं कि एक तरफ चुनाव प्रचार में तो जुटे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी, वहीं जंगल की आग पर जानकारी जुटा रहे हैं अधिकारियों से। सीएम धामी दिल्ली से अल्मोड़ा आएंगे और अल्मोड़ा से ही वापस दिल्ली लौटने का उनका कार्यक्रम है। 25 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, उससे पहले आप देख रहे हैं जगह जगह पर चुनावी रैलियां पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच भी अपने राज्य में जंगल की आग जिस तरह से फैलती जा रही है, लोगों को समस्या हो रही है, मवेशियों को समस्या हो रही है, उस पर अधिकारियों से जानकारी देना भी नहीं भूल रहे हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अल्मोड़ा आएंगे, यहाँ पर बैठक में शामिल होंगे और फिर वापस दिल्ली लौट जाएंगे। इन दिनों सीएम धामी दिल्ली और हरियाणा के ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार के दौरे में डटे हुए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार अभियान जारी है। सीएम धामी ने बुधवार को हरियाणा के फरीदाबाद संसदीय सीट के लिए प्रचार किया। धामी ने यहां से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए पहले तो रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, फिर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा है कि 2014 से पहले भारत की पहचान एक डब्बू देश के तौर पर की जाती थी, लेकिन पीएम मोदी ने आज भारत को दुनिया का सिरमौर बना दिया है। आज विश्व के अंदर कोई घटना होती है, एक समय था जब पूरी दुनिया के अंदर 2014 से पहले भारत एक डब्बू भारत और पिछलग्गू भारत के रूप में हमारी पहचान बन गई थी। भाइयों बहनों, आज उस डब्बू भारत और पिछलग्गू भारत से हमको बाहर निकालकर दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। देहरादून से समय एक बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि धूमिल करने के आरोप में पुलिस को शिकायत दी गई है। बीजेपी की तरफ से देहरादून के डालनवाला थाने में शिकायत दी गई है। बीजेपी सह संयोजक प्रवीण लेखवार ने ये तहरीर दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाले के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर एडिटेड वीडियो डालकर दुष्प्रचार करने के मामले में शिकायत दी गई। आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है और यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी में गंगा स्नान करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा घाटों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां सुबह तड़के ही इसी तरह की भीड़ के जुटी हुई तस्वीरें आ रही हैं सामने। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मेला क्षेत्र को 7 जोन और 19 सेक्टर्स में बांटा गया है, ताकि दूर दराज इलाकों से पहुंचने वाले श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकें। तो आज बुद्ध पूर्णिमा, जिसको लेकर गंगा स्नान करने के लिए दूर इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं। पुलकित शुक्ला और जानकारी देंगे, हरिद्वार से समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पुलकित, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए, सुबह तड़के से ही आज के दिन जो है वो लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर की पैड़ी पहुंच रहे हैं। इस समय की क्या स्थिति है, प्रशासन की क्या तैयारी है? पूर्णिमा का स्नान साल का एक बड़ा स्नान माना जाता है, महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है। इसके कुछ पुलिस की प्रशासन की ओर से जो है व्यापक तैयारियां की गई थी स्नान के लिए। पूरा जो मेला क्षेत्र है उसको 7 जोन में बांटा गया है और 19 सेक्टर बनाए गए हैं। और सुबह 4 बजे से श्रद्धालु हर की पैड़ी पर बस रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। हर की पैड़ी पर नहीं, इसके अलावा हरिद्वार में जितने भी अन्य महत्वपूर्ण जिला घाट है, वहाँ पर तरह से श्रद्धालु की भीड़ जमा है, श्रद्धालु का धुमावा लगा हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मेरे पास भीड़ यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की यहाँ पर जमा है। दूर दूर तक श्रद्धालु यहाँ पर जो पूरे गंगा घाट है, हर की पैड़ी पर गंगा घाट है, तो पूरी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ से कटे हुए नजर आ रहे हैं। और जो दूर दूर से पहुंच रहे जो श्रद्धालु है, जो गंगा भक्त है, वो गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए हर हर गंगे के जयकारे यहाँ पर लगा रहे हैं। तो कल शाम से, कल देर रात से जो पुलिस की जो ड्यूटी थी वो यहाँ पर शुरू कर दी गई थी, क्योंकि जो बुद्ध पूर्णिमा की जो तिथि थी वो कल शाम से शुरू हो गई थी। इसके बाद से लगातार यहाँ पर जो ड्यूटी है वो जारी है। अभी तक जो लोगों का जो श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हरिद्वार इस वक्त पहुंची हुई है। हरिद्वार में के अलावा जो दूसरे सभी भारी हो रही है और कहीं ना कहीं जो हरिद्वार के जो हाईवे है, जो दूसरे अन्य हमारे के यहाँ पर भी कई जान की स्थिति हुई है, इसीलिए पुलिस प्रशासन की ओर से ट्रैफिक की डाइवर्ट किया गया है। और कल देर रात से ही जो भारी वाहन थे उनको प्रतिबंधित किया गया है शहर में, और जो भारी वाहन है वो हरिद्वार में प्रवेश नहीं करेंगे। और अगर किसी तरह की जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है वो और भी ज्यादा बढ़ती है तो उसमें ठीक है। पुलकित शुक्ला, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आपका ब्रेक के बाद, और आइए आपको बताते हैं, लगातार बढ़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए युवा रुड़की में गंग नहर में अपनी जान जोखिम में डालकर छलांग लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई बार दी जा चुकी है इस तरह की हदायतें कि नहीं करना है, छलांग नहीं लगानी है, लेकिन फिर लोग नहीं मानते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवा पुल पर चढ़कर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कई बार लोगों को हिदायत भी दी जा चुकी है, लेकिन युवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आते।
चमोली की नीति घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने राफ्टिंग शुरू कर दी है। धौली नदी में इन दिनों राफ्टिंग की जा रही है, जिसका मजा पर्यटक ले रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोग भी ले रहे हैं। नीति घाटी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार घाटी में खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सुखी भलगांव, लाता और जो हमारे जेलम स्पॉट है, धौली गंगा के नदी तट है, यहाँ पे जो रिवर राफ्टिंग का जो ट्रेलर चल रहा है, मैं पर्यटन विभाग का धन्यवाद करता हूँ।